हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये है आज का हमारा संडे क्यू एन ए, जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। संडे क्यू एन ए में आपका क्वेश्चन फीचर करने की कोशिश करता हूँ और वहाँ पे जो है कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं अकेला इंसान हूँ और यहाँ पे जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हर किसी का तो आंसर नहीं दे सकता। लेकिन हमारे कुछ इन्फॉर्म्ड व्यूअर्स का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो लोग सबकी मदद करते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, कोई ना कोई जो है आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करेगा। हमारा जो कमेंट सेक्शन होता है बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से वो भरा होता है। कुछ खराब लोग भी होते हैं, लेकिन उनको इग्नोर करने में ही भलाई है। इसी के बाद हमारा संडे क्यू एन ए शुरू कर दिया है। और संडे क्यू एन ए शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है हमारा, ये एक टेक चैनल है जिसमें हम लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में, आईफोन्स, एंड्रॉयड, हर टाइप की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ये एक नॉन पॉलिटिकल चैनल है जिसपे हम लोग बिल्कुल भी पॉलिटिक्स और रिलीजन वगैरह जो है ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करें। तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप कोशिश कीजिए कि टॉपिक से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो आपको, बाकी सारी चीज़ें कुछ भी अगर डिफ़िकल्टी आ रही है तो वो चीज़ आप उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि अभी 2020 शुरू हुआ है और ऑलरेडी हमको जो है दुनिया में, ना सिर्फ इंडिया में, जो है काफ़ी इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। अभी आप जानते ही है कि US और ईरान के बीच में जो टेंशन है, और डेफिनेटली उसका असर हमको इंडिया में भी देखने मिलेगा, और इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट है। तो हम लोग जो है ज़रूर सारी ह्यूमैनिटी के लिए और सारे वर्ल्ड पीस के लिए प्रेयर ज़रूर कर सकते हैं, और इसी प्रेयर के साथ जो है हमारा संडे क्यू एन ए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है दानिश फारूक का। ये बोलते हैं कि एज वी ऑल नो, हमको पता है कि एप्पल जो है आईफोन एस ई 2 या फिर आईफोन 9 जिसका नाम होने जा रहा है मार्च 2020 में, ये डिवाइस को लॉन्च करने वाला है, तो क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस ड्रॉप आईफोन 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स या फिर आईफोन 11 में? इसका आंसर जो है बहुत ही सीधा, सिंपल और आसान है। आईफोन एस ई 2 या फिर आईफोन 9 ये एक अलग मार्केट को, अलग सेगमेंट ऑफ बायर को टारगेटेड है। ये जो है एक मिड रेंज का फ़ोन होगा एप्पल के जो फ़ोन के लाइनअप है उसके अंदर, या फिर एक लोअर एंड का फ़ोन बोल सकते हो। इसका जो टारगेट है वो कभी भी जो है आईफोन 11 का कस्टमर या आईफोन 11 प्रो का कस्टमर नहीं होगा। तो उसके प्राइसिंग से इन डिवाइसेस के प्राइसिंग का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और बहुत लोग का सवाल होता है कि आईफोन 11 का प्राइस ड्रॉप कब होगा, 11 प्रो का प्राइस ड्रॉप कब होगा। तो इसका प्राइस ड्रॉप होना जो है बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल लग रहा है आने वाले दिनों में भी। आईफोन 10 को जो एप्पल ने लॉन्च किया था, थोड़ी गलत प्राइसिंग पर लॉन्च किया था। एटलीस्ट 10 to 12,000 एक्स्ट्रा जो उसका अमाउंट था उस पर उसने लॉन्च किया था, जो कि इनिशियल डेज में उसको इसका लॉस भी सहना पड़ा। लेकिन आईफोन 11 के मामले में ऐसा नहीं है। आईफोन 11 को जो अच्छे प्राइसिंग में लॉन्च किया तो उसका प्राइस ड्रॉप होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उसके नीचे के सेगमेंट में जो है आईफोन 10R ऑलरेडी वेट कर रहा है अपने काफ़ी अच्छे प्राइसिंग के साथ। अगला सवाल है दोस्तों मिस्टर आइस का। ये बोलते हैं क्या मुझे सैफायर स्क्रीन गार्ड के लिए जाना चाहिए? देखिए, कोई भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव स्क्रीन गार्ड के लिए जाना या कोई भी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोटिंग के लिए जाना जो है मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता हूँ। जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो एक अच्छे हाई क्वालिटी और थोड़े से एक्सपेंसिव केस के लिए, जैसे यहाँ पे मेरे आईफोन पे लगा हुआ है, या सब केस आप ले सकते हो। ये सारे केसेस जो एक्चुअल में आपके फ़ोन को प्रोटेक्शन देंगे, और फोन को सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो ड्रॉप से होता है। स्क्रीन गार्ड आप रेगुलर वाला कोई भी लगा लेंगे, 1,000 रुपये से अंदर वाला कोई भी लगा लेंगे, तो काफ़ी अच्छा आपको जो है प्रोटेक्शन वो भी दे सकता है। मैं स्पिगन का स्क्रीन गार्ड यूज़ करो, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर बनाया हुआ है, ये अच्छा प्रोटेक्शन देता है। और स्क्रीन गार्ड का मेन काम होता है आपको स्क्रैचेज से प्रोटेक्ट करना, और स्लाइड जो है ड्रॉप प्रोटेक्शन भी, लेकिन जो मेन जो चीज़ आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करती है वो आपके फ़ोन का केस होता है। अगला सवाल है दोस्तों जयेश का। जयेश बोलते हैं कि आईफोन एस ई 2 क्या आईफोन 11 से बेहतर होगा, या आईफोन एस ई 2 में क्या 5G होगा या नहीं, और आईफोन 11 कौन सा कलर अच्छा है? ठीक है, आईफोन 11 का कलर कंपैरिजन का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, सारे कलर्स मैंने उसमें कंपेयर करके बता दिया है। रही बात एस ई 2 क्या 11 से बेहतर होगा, जैसे मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था कि एस ई 2 का मार्केट अलग है, 11 का मार्केट अलग है, तो 11 ऑलवेज बेटर देन एस ई 2। आईफोन 11 के अंदर जो चिपसेट आएगा एस ई 2 में भी वही आना चाहिए, अभी जो रूमर्स है वो बता रहे, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है आईफोन 11 में आपको बेहतर देखने मिलेगी। तो अगर ज़्यादा पैसा है तो 11 के लिए जाओ, कम पैसा है तो एस ई 2 के लिए जा सकते हो। और अभी जो हमको पता चला है कि आईफोन एस ई 2 में जो है 5G की टेक्नोलॉजी नहीं होगी, 4G की होगी, टू कीप द कॉस्ट लो, लेकिन हो सकता है कि एप्पल दे भी दे 5G। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रियाद द बॉस का। ये बोलते हैं 40, 50, 60 वॉट का चार्जर जो है कंपनी साथ में देने लगी आजकल फ़ोन के, तो इतने हाई वोल्टेज पे फ़ोन को चार्ज करना, क्या इसकी बैटरी पे बुरा असर पड़ता है कि नहीं, क्या ये सेफ़ है कि नहीं? देखिए, सेफ़ तो है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने चेक किया है, काफ़ी जो है उनके चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल करके ही आपको प्रोडक्ट लॉन्च करके देते। फिर भी कुछ कुछ जो है सस्ते क्वालिटी के फ़ोन्स होते हैं वो ब्लास्ट वगैरह होते हैं, लेकिन जनरली हमको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। तो सेफ़ तो यूज़ करना है, लेकिन अगर आप बैटरी लाइफ की बात कर रहे हो या बैटरी हेल्थ की बात कर रहे हो, आपकी बैटरी हेल्थ ज़रूर ही उससे जो है डैमेज होने ही वाली है। अब एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर जो है
बैटरी हेल्थ एंड्रॉयड फ़ोन कंपनीज कंज्यूमर्स को जो है बताती नहीं है, आईफोन में आपको देखने मिलता है। इसलिए आईफोन में आपको पता चलता है कि बैटरी कितना डिटोरिएट हो रही है। ये हैवी वोल्टेज के जो चार्जर होते हैं, हाई वोल्टेज के जो चार्जर होते हैं, इसकी वजह से फ़ोन जब चार्ज होता है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और हीट जो है आपकी बैटरी की हेल्थ का दुश्मन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंतजार मलिक का ये बोलते हैं, मैं एक आईफोन 11 लेने जा रहा हूँ तो क्या मुझे 18 वाट का जो फास्ट चार्जर एप्पल का आता है उसके बाद वो लेना चाहिए या नहीं, क्या ये उनकी बैटरी लाइफ के लिए अच्छा है लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए या फिर जो है ये बुरा है और उनको 5 वाट के चार्ज के लिए जाना चाहिए। देखिए इसके जो है दो अलग अलग सिनेरियोज है, दो अलग अलग कंडीशन हो सकते हैं। अगर आपको चार्जिंग के लिए काफ़ी कम टाइम मिलता है, आप रात को चार्ज नहीं करते हो, भूल जाते हो, सुबह ऑफिस जाने के पहले जो है आपको फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे आप जो है वो 18 वाट का चार्जर अगर यूज़ करेंगे तो वो बहुत यूज़फुल आपको रहेगा। लेकिन अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हो, आपको चार्जिंग का कोई मसला नहीं है, आप घर से निकलते हो तो ऑफिस जाते हो, ऑफिस में भी आपको चार्जिंग के पॉइंट अवेलेबल है, तो 5 वाट का चार्जर जो है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आपके आईफोन के साथ जो आता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी आपके आईफोन को हीट नहीं करेगा। 18 वाट का चार्जर अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका आईफोन जो है डेफिनेटली चार्जिंग करने पे हीट होगा और हीट जो है जैसे मैंने बताया बैटरी हेल्थ का दुश्मन है, तो बैटरी हेल्थ इफेक्ट होगी ही। लेकिन अगर आप साल भर फोन यूज़ करना चाह रहे हो, रखना चाह रहे हो, उसके बाद अपग्रेड करेंगे आप आईफोन 12 पे, तो बैटरी हेल्थ के बारे में इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं। और अगर आपको फास्ट चार्जिंग भी चाहिए और बैटरी हेल्थ में ज़्यादा नुकसान भी नहीं चाहिए, ज़्यादा ओवरहीटिंग वगैरह नहीं चाहिए, तो आप आईपैड के चार्जर के लिए जा सकते हो जो 10 या 12 वाट का मिलता है, 1200-1400 रुपये का, उसके लिए आप जा सकते हो, उसको लेंगे तो भी कोई इशू नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हर्षित पांडे का, ये बोलते करेंटली आईफोन 8 यूज़ कर रहा हूँ, 1.5 साल से काफ़ी बोर हो गया और एंड्रॉइड फोन के लिए जाना चाहता हूँ, तो कौन सा एंड्रॉइड फोन के लिए जाऊँ, सैमसंग गैलेक्सी S10 कैसा रहेगा। मेरा सजेशन आपको ये है कि आप एंड्रॉइड फोन के लिए जा रहे हो तो सैमसंग ने जो है अभी अनवील किया है अपना सैमसंग का गैलेक्सी S10 लाइट, आप उसके लिए जाइए, वो अभी आने ही वाला है, शायद महीने भर में 15-20 दिन में जो है इंडिया में भी आएगा, काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में आ जाएगा और उसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 मिल रहा है जो मेरे हिसाब से एक्जिनोस के प्रोसेसर से बेहतर है गेमिंग वगैरह के लिए, तो उस फ़ोन के लिए आप जाएंगे तो बेहतर लगेगा आपको। और सैमसंग की क्वालिटी जो है हार्डवेयर की काफ़ी अच्छी होती है, सॉफ्टवेयर भी मैं बोलूँगा ठीक ठाक ही, ऐड वगैरह देता है आजकल, लेकिन उसको आप टर्न ऑफ करेंगे तो एंड्रॉइड के अंदर आप सैमसंग के लिए जाएंगे तो बेहतर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सैयद याकूब का, ये बोलते हैं कि आईफोन 11 और 10s जो दोनों सेम प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है, किसके लिए जाना चाहिए, एक में ओलेड है एक में LCD है, आईफोन 10s के अंदर स्टेनलेस स्टील है जो हमको प्रीमियम फील कराता है और आईफोन 11 के अंदर जो है वो चीज़ें हमको देखने नहीं मिलती, दोनों सेम प्राइस पे अवेलेबल है तो किसके लिए हमको जाना चाहिए। देखिए मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूँ कि आपको आईफोन 11 के लिए ही जाना चाहिए, आईफोन 11 इज़ मच बेटर देन आईफोन 10s या आईफोन 10, आईफोन 10s मैक्स से भी जो है आईफोन 11 बेहतर है क्योंकि उसमें नया चिपसेट आपको देखने को मिलता है और LCD डिस्प्ले जो है वो OLED के सामने बुरा नहीं है, उसका एक कंपैरिजन मैंने बनाया हूँ। ये अपनी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है कि आपको OLED पसंद है या फिर आपको LCD पसंद है, मैंने भी OLED से जो है LCD पे शिफ्ट किया हूँ और मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, आप वो कंपैरिजन जाके देख सकते हैं आपको पता चल जाएगा। रही बात स्टेनलेस स्टील की और एल्यूमिनियम के फ्रेम की, अगर आप बिना केस के फ़ोन यूज़ करते हो तो आपको बेहतर लगेगा आईफोन 10s हाथ में पकड़ने के लिए क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो है आपको ज़्यादा प्रीमियम फील कराएगा, लेकिन केस के साथ यूज़ करे हो तो दोनों में वो चीज़ जो वो डिफरेंस होती है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है और केस के साथ यूज़ करने पे जो एल्यूमिनियम के साइड्स है, जो एल्यूमिनियम का फ्रेम है, वो बेहतर परफॉर्मेंस आपको देगा। आप काफ़ी साल जो है इसको यूज़ करेंगे या साल भर यूज़ करेंगे भी देखेंगे उस पर स्क्रैचेस नहीं आएगा, जबकि अगर आप आईफोन 10s को एक दो बार केस में डालेंगे निकालेंगे तो उस पर स्क्रैचेस आ जाएंगे, तो आप चॉइस जो है वो आपकी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संगीत का, संगीत खत्री पूछते हैं कि आप जो है आईफोन इसी से रिकॉर्डिंग करते थे, एडिटिंग करते थे, तो बता सकते हैं वो कौन से वीडियोज़ थे ताकि हमको कोई अंदाज़ा मिल सके उसकी क्वालिटी का, और उनको जो है ऐसी उनका एक प्लान है कि आईफोन ऐसी जो है वो इस्तेमाल करे इंडोर्स में रिकॉर्डिंग के लिए अच्छी लाइटिंग के अंदर, तो क्या 32 GB का जो आईफोन ऐसी है उसका स्टोरेज इनफ होगा 4K की फुटेज अगर वो लेते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तो रही बात 32 GB का इनफ होगा कि नहीं 4K के लिए 15 मिनट की फुटेज के लिए, तो बिल्कुल वो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, लेकिन मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि 4K में आप शूट करो इंडोर्स में। 4K में आपका वीडियो जो है YouTube के ऊपर कोई देखने वाला नहीं है, 1080p में भी बहुत ही मुश्किल से लोग जो है प्ले करते हैं, हर एक के पास वाईफाई नहीं होता, जिनके पास होता है वो लोग देखते हैं लेकिन जनरली प्रॉब्लम नहीं देती, और 4K तो आपका कोई भी देखने वाला नहीं है। रही बात आईफोन SE के वीडियोस की, तो पहले जो मैं वीडियोस बनाता था आज से जो है 100 वीडियोस पीछे जाके आप देख लो तो शायद आपको आईफोन SE के वीडियोस ही देखने मिलेंगे, या मैंने DSLR का जो अनबॉक्सिंग बनाया था उसके पहले के वीडियोस के, लेकिन उस टाइम पे मेरा लाइटिंग का सेटअप, उस टाइम पे मेरा ये सब बैकग्राउंड वगैरह नहीं था, तो वीडियोस आपको इतने अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर आप आईफोन SE कंसीडर कर रहे हो DSLR के सामने तो ये बात का याद रखना, ये बात का ध्यान रखना कि आपको लाइटिंग पे जो है अच्छा खासा खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि DSLR का सेंसर बड़ा होता है और आईफोन का सेंसर छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रेजा उल हक का, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोलते हैं आप एंड्रॉइड फोन की अनबॉक्सिंग की वीडियोस क्यों नहीं बनाते। मैं एंड्रॉइड फोन की अनबॉक्सिंग की वीडियोस बनाता हूं, रिव्यू की वीडियो बनाता हूं, लेकिन उन फोन्स के जो मैंने अपने पैसे से खरीदा है, क्योंकि ये जो फोन्स कंपनी देती है हमको लॉन्च के पहले, जो आप लोग देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, गलत नहीं करे वो लोग, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा होता है कि ये कंपनी हम पे एक शर्त लगा देती है कि हम आपको फोन देंगे
पैसे देंगे, आप इसको जो है प्रमोट करना है, मतलब जो वीडियो होता है अनबॉक्सिंग का वो कम्प्लीटली पेड होता है और फिर जो है सिर्फ तारीफ ही तारीफ करनी होती है। और अगर मैं पूरी तारीफ कर दूँ, नया फ़ोन लॉन्च है, उसको यूज़ नहीं किया, कुछ नहीं किया, अनबॉक्सिंग में पूरी तारीफ हो गया, उसके पुल बांध दूँ, एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलूँ, तो आप में से जो लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं लोग बोलेंगे हाँ यार 10,000 के फ़ोन का नबील भाई ने तारीफ किया है, तो हम लोग जाके वो फ़ोन लेंगे। जब आप लेंगे तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वो रिव्यू मेरा पेड था, और फिर मेरे पैसे जो है आपका ट्रस्ट उड़ जाएगा। और ये ट्रस्ट जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पैसे कमाना भी हर किसी के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए जब ये एंड्रॉइड फोन कंपनीज मेरे पास आती है, अप्रोच करती है, तो मैं उनको क्या बोलता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे मैं आपका एक मिनट का वीडियो बना के डाल दूंगा। एक मिनट के वीडियो में ना आप कन्विंस होने वाले हो कि फ़ोन अच्छे हो जाके खरीदने वाले हो, और उनका भी काम हो जाता है, मेरा भी काम हो जाता है, मुझे अच्छा खासा जो है पैसा मिल जाता है, और इंस्टाग्राम पर उनका प्रमोशन हो जाता है, लेकिन नुकसान किसी का भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आगरी किंग का, ये बोलते हैं आप जो सेलिब्रिटी की वीडियो बनाते हो तो सेलिब्रिटी वालों का एक नंबर भी देते हो, तो सेलिब्रिटी वाले उस पर रिप्लाई नहीं करते, उनको मैंने कैसे पूछूं कि मुझे लेना है फ़ोन, 4-5 बार कॉल किया, मैसेज किया, लेकिन वो लोग उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो उनकी कुछ जिम्मेदारी होती है नहीं मुझे इन्फॉर्मेशन देने की? 100% उनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, लेकिन सेलिब्रिटी जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, एक छोटा स्टोर है मुंबई के अंदर, अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसा उनका कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, ना उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी टीम है, 20 से 25 आदमी जो है सेलिब्रिटी स्टोर के अंदर काम करते हैं, वो भी काफ़ी कम पेमेंट में काम करते हैं, क्योंकि इनके प्रॉफिट मार्जिन भी कम होते हैं, इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनाते, नंबर ऑफ सेल्स वॉल्यूम जो है उनकी ज़्यादा है। अब होता ऐसा है कि वीडियो हमारा डालने के बाद जो है इनको बहुत सारे कॉल चले जाते हैं, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट दिवाली की सेल्स की ट्रैफिक चली जाती है, वैसे इनके पास भी चले जाते हैं, तो इनके एग्जीक्यूटिव जो है उसको हैंडल नहीं कर पाते, ये एक सच्ची एक फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन लोग जो है उन फोन कॉल्स के लोड को हैंडल नहीं कर पाते और ठीक से जो है कस्टमर सर्विस भी नहीं दे पाते। ये जो आपके सजेशंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उनको हमेशा देते रहता हूँ, जब भी मुझे ऐसा कोई कमेंट आता है मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ और सीधा उसके ओनर को जो है वो भेज देता हूँ, वो अपनी तरफ से जो कोशिश करते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है कि कैसे वो अपने सर्विस को ठीक करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राहुल का, ये बोलते हैं मैकबुक एयर और प्रो में क्या फ़र्क है, एडिटिंग के लिए और हैवी यूजेज के लिए कौन सा लेना चाहिए? देखिए नाम में ही आपको जो है उसका आंसर मिल जाता है, मैकबुक एयर, एयर यानी हल्का, आपको लाइट यूजेज के लिए जो है मैकबुक एयर लेना चाहिए, हैवी यूजेज है आप प्रोफेशनल हो तो आपको प्रोफेशनल वर्क के लिए जो है मैकबुक प्रो लेना चाहिए। अगर आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है हो तो दोनों पे जाएगी, लेकिन बेहतर तरीके से फास्ट तरीके से 4K एडिट वगैरह करना है तो मैकबुक प्रो के लिए आपको जाना चाहिए, उसके जो इंटरनल से जो हार्डवेयर है वो ज़्यादा पावरफुल है एयर के मुकाबले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दीप MSD का, ये बोलते हैं एप्पल क्लेम करता है कि आईफोन 11 का जो LCD है वो बेस्ट है मार्केट के अंदर, तो क्या रेडमी रियलमी और सैमसंग के LCD से बेहतर है इसका परफॉर्मेंस या इसका जो लुक है, क्योंकि उनके अंदर हायर रेजोल्यूशन और हायर PPI होता है? हाँ बिल्कुल, उनके जो LCD पैनल्स है उनसे बेहतर है आईफोन 11 का LCD पैनल। अगर आप एक्चुअल में जाएंगे फिजिकली देखेंगे, आप किसी भी एप्पल के स्टोर में जाके चेकआउट कर सकते हैं, डिस्प्ले पे यूनिट होता है, वहाँ पे ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो LCD पैनल है बहुत ज़्यादा ब्राइट, बहुत ज़्यादा कलरफुल, बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे यूट्यूबर्स ने आपको बताया आईफोन 10R के टाइम पे, 11 के टाइम पे किसी ने बुराई नहीं की, लेकिन 10R के टाइम पे जो बताया वैसा नहीं है, दोनों में सेम LCD पैनल लगा हुआ है। और बोलते क्या ये बेहतर है एंड्रॉयड के एमोलेड डिस्प्ले के साथ? बेहतर किस सेंस में आप बोल रहे हैं वो आपको पहले जो है श्योर होना पड़ेगा। अगर आप डीपर ब्लैक्स की बात कर रहे हो, ज़्यादा वाइब्रेंसी की बात कर रहे हो, तो हाँ जो एमोलेड डिस्प्ले होता है वो ज़्यादा डीपर ब्लैक्स, ज़्यादा वाइब्रेंसी, ज़्यादा अच्छे अच्छे जो पॉपिंग कलर्स है वो आपको दिखा पाता है, ये डिस्प्ले उस मामले में उन डिस्प्ले से जो है कम आपको दिखाएगा वो सारी चीज़ें। लेकिन क्वालिटी अगर आप बोलेंगे तो अगर आप 10,000 का एमोलेड डिस्प्ले वाला एंड्रॉयड फ़ोन, 20,000 का एमोलेड डिस्प्ले वाला एंड्रॉयड फ़ोन लेंगे तो उसकी क्वालिटी जो है इसके डिस्प्ले से इन्फीरियर ही लगेगी। इसके रेंज का या इसके आसपास का जो एमोलेड डिस्प्ले वाला एंड्रॉयड फ़ोन है उसकी क्वालिटी इसके LCD से जो है बेहतर हो सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रज्वल पटेल का, ये बोलते हैं आईफोन 11 प्रो में ओलेड डिस्प्ले है तो फिर इसके अंदर 3D Touch क्यों नहीं है? क्योंकि ओलेड डिस्प्ले का 3D Touch से कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। 3D Touch जो है आईफोन 7 में भी आता है, 6S में भी आता है, जिसके अंदर LCD डिस्प्ले होता है, वो एक प्रेशर सेंसिटिव डिस्प्ले होता है, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा हार्डवेयर होता है उसका कॉस्ट कट करने के लिए एप्पल ने वो निकाल दिया है और सॉफ्टवेयर में ही 3D Touch को इंटीग्रेट कर दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विशानु गैरे का, बोलते हैं मैंने OLX पे एक आईफोन 11 128 GB देखा, उसको देखने के बाद उसे कॉन्टैक्ट किया, 50,000 रुपये उसके अकाउंट में सेंड कर दिए और जो है उसने फ़ोन कुरियर ही नहीं किया, पैसे लेके मेरा बैठ गया, पुलिस कंप्लेंट किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। देखिए अनफॉर्चुनेटली आपके जो 50,000 रुपये है वो डूब चुके हैं। OLX पे भी आप जब चैट करते हो तो OLX वाला आपको साफ तौर पे वार्निंग देता है कि आप जब पैसे की बात कर रहे हो बिल्कुल भी एडवांस में मत दो, बिना मिले पैसे मत दो, एक हाथ से पैसा दो दूसरे हाथ से चीज़ लो, आप कैसे 50,000 रुपये उसको एडवांस में दे सकते हैं ये आपको सोचना चाहिए। OLX पे रैंडमली कोई भी ऐड डाल सकता है, आप भी डाल सकते हो, कोई उसका शॉप नहीं था, कुछ नहीं था, आपने जो गलती किया है अब आपको इसको भुगतना ही पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आपका लॉस देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अब आपको ये लॉस उठाना ही पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुजीब का, ये बोलते हैं आप किस एप्लीकेशन से एडिट करते हो और वीडियो एडिटिंग के मेथड पे वीडियो बनाओ। वीडियो एडिटिंग के मेथड पे वीडियो बना सकता हूँ लेकिन सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे शायद, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो बनाऊँ। मैं ऐप जो यूज़ करता हूँ एडिट करने के लिए आईपैड पे आईफोन पे, उसका नाम है काइन मास्टर। एक्चुअली में उसका नाम है किने मास्टर लेकिन इंडिया में सब लोग उसको काइन मास्टर बोलते हैं तो हम भी उसको काइन मास्टर ही बोलेंगे। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, एक अपडेट आया काइन मास्टर ऐप के अंदर जिसके बाद जो मैं ऑडियो लेयर को अलग से उसमें ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं वीडियो अलग से रिकॉर्ड करता हूँ, ऑडियो अलग से रिकॉर्ड करता हूँ लेकिन मैं उसमें ऑडियो लेयर जो ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास और एक फोन है जिसमें पुराना काइन मास्टर चल रहा है, मतलब उसको मैंने अपडेट नहीं किया था, तो उसमें डाल के मुझे जो है वो चीज़ करनी पड़ी। और एंड्रॉयड वाले भी मेरे एक यूट्यूबर है भाई जिनका भी चैनल काफ़ी बड़ा है और वो भी काइन मास्टर का इस्तेमाल करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन पे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लेकिन कुछ अलग टाइप की उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। अगला क्वेश्चन है मनप्रीत सिंह खालसा का, ये बोलते हैं मेरे आईफोन एसई में iOS 13.3 अपडेट करने के बाद से सिर्फ 20 दिन के अंदर ही 6% बैटरी हेल्थ डाउन हो गई है और उसके बाद जो है 15% डाउन हो गई है 20 दिन में। अभी उनका जो है 79% पे आ गई है बैटरी हेल्थ, तो ऐसा क्यों हुआ है कि अपडेट क्यों ऐसे हुआ है, क्या रीज़न है, क्योंकि उनके फ्रेंड को भी ये चीज़ देखने को मिली और उन्होंने यूट्यूब पे भी वीडियो वगैरह देखा है। देखिए जब आईफोन का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो सारी चीज़ें जो है रिकैलिब्रेट हो जाती है फर्मवेयर अपग्रेड के अंदर, उसके अंदर आपकी बैटरी हेल्थ भी जो है शायद पहले ही कम हो चुकी होगी लेकिन जो बैटरी हेल्थ इंडिकेटर है उसमें दिखा रहा नहीं होगा, तो अपडेट के बाद जो है वो भी रिकैलिब्रेट हुआ, आपकी बैटरी हेल्थ जो है वापस से रिकैलकुलेट हुई और जो उसकी एक्चुअल हेल्थ थी वो उसमें बता दिया। और 79% आपकी बैटरी हेल्थ, अगर उसकी बैटरी लाइफ से आप सेटिस्फाइड हो तो उस पर रहो वरना आपको फिर अपनी बैटरी चेंज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है मुसाब शेख का, ये बोलते हैं आईफोन 8 प्लस लेने का सोच रहा हूँ, अभी उनके पास जो ऑनर प्ले है जिसमें किरीन का 970 प्रोसेसर है तो एप्पल के A11 के बराबर है या नहीं, उनको उसके लिए जाना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल आपको जाना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, आपको एक बहुत बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा ऑनर प्ले के सामने। और ये जो आप बोल रहे हो कि ये प्रोसेसर इस प्रोसेसर के बराबर है वो सिर्फ बेंचमार्क में बराबर हो सकता है लेकिन एक्चुअल डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो iOS का ऑप्टिमाइजेशन है उसके प्रोसेसर के साथ उसके पूरे फोन के साथ वो एकदम कमाल का है और आपको फैंटास्टिक जो है परफॉर्मेंस ये फोन देगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शबल का, ये बोलते हैं यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो जो बोलते हैं कि आईफोन जो है 70-80% डिस्काउंट मिल जाते हैं, मतलब बहुत ही कम कॉस्ट दिखाते हैं और उनके फ़ोन के बारे में लेकिन कुछ भी वारंटी के बारे में बाकी सारे डिटेल्स नहीं देते, तो क्या ऐसे वीडियोज़ जो है पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हैं या नहीं। देखिए ऐसे वीडियोज़ पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हैं या नहीं, इसका आंसर सिंपल है कि यूट्यूब पे जो मैक्सिमम वीडियोस है वो सिर्फ पब्लिक को मिसगाइड और मैनिपुलेट करने के लिए होते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कोई फोन का अनबॉक्सिंग का वीडियो बना रहा है और सिर्फ तारीफ ही तारीफ करते जा रहा है तो ये भी पब्लिक को जो है मिसगाइड करने के बराबर ही है। और इनफैक्ट ये जो आईफोन की वीडियोस बना रहे हैं इस पर आदमी को डाउट भी आता है कि क्या बता रहा है, सही बता रहा है, गलत बता रहा है, जैसे आपने सवाल पूछा, लेकिन वो जो वीडियोस होते हैं उस पर किसी को डाउट नहीं आता क्योंकि उनको पता है कि जब वो फोन लेंगे तो कंपनी का बॉक्स पैक पीस उनको मिलेगा जिस पर वारंटी भी होगी। तो ये दोनों टाइप के वीडियोज है पब्लिक को मिसगाइड करने के लिए, पब्लिक का काम है कि किस तरीके से वो स्मार्ट हो और स्मार्ट तरीके से शॉपिंग करे। अगला क्वेश्चन है गुरप्रीत सिंह का, ये बोलते हैं एयरटेल वाईफाई डेटा क्या चीज़ होती है। एयरटेल वाईफाई डेटा और जियो का वाईफाई डेटा वही चीज़ होती है जो आपके फोन में डेटा चल रहा है, बस जियो का और एयरटेल का जहाँ पे पब्लिक वाईफाई होता है उस वाईफाई की स्पीड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जो आपका डेटा कंज्यूम होगा वो आपके फोन के डेटा में से कंज्यूम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऋषभ मकीजा का, ये बोलते हैं इनके पास एक आईफोन 11 प्रो और 11 है, दोनों एक ही टाइम पे परचेज किया सितंबर अक्टूबर में। 11 की जो बैटरी हेल्थ है वो 100% है और प्रो की जो बैटरी हेल्थ है वो 96% है, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था 18 वाट का जो फास्ट चार्जर है जो आपके प्रो के साथ आता है वो फोन को चार्जिंग के टाइम पे हीट करता है जिसकी वजह से बैटरी हेल्थ आपकी जल्दी जल्दी गिरती है। और आईफोन 11 क्या आता है 5 वाट का चार्जर जो स्लो फोन को चार्ज करता है लेकिन उससे आपकी बैटरी हेल्थ को नुकसान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है डॉक्स टेक का, ये बोलते हैं अगर फ्लिपकार्ट से फोन मंगाओ उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, डुप्लीकेट निकले, फ्लिपकार्ट जो है उसको रिटर्न लेने से मना कर दे तो और मैं कोर्ट में केस करूँ तो क्या होगा। तो ये होगा कि अगर आप सही बोल रहे हो, अगर फ्लिपकार्ट की गलती है तो आप कोर्ट का केस जीत जाओगे, वो फोन का पैसा आपको वापस मिल जाएगा और ऊपर से कॉम्पनसेशन भी आपको मिल जाएगा। अगर आप गलत हो तो आपका वक्त भी बर्बाद हो जाएगा, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे और आपको फाइन भी लगेगा। अगला क्वेश्चन है लोंकन का, ये बोलते हैं मेरे पास आईफोन 11 है, मैं एप्पल के इकोसिस्टम में एंटर करना चाहता हूँ, इन्होंने बेंचमार्क देखे आईपैड प्रो के 2018 वाले के मैकबुक प्रो के साथ तो उसके अंदर जो है आईपैड प्रो ज़्यादा पावरफुल लगा उनको, तो क्या उनको मैकबुक प्रो के बदले आईपैड प्रो लेना चाहिए क्योंकि आईपैड प्रो की कीमत मैकबुक प्रो से कम है। देखो आपको काम क्या करना है इसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको एक फुल प्लेज लैपटॉप चाहिए जिसके ऊपर सारे सॉफ्टवेयर लैपटॉप वाले चले तो आपको मैकबुक प्रो के लिए जाना पड़ेगा, अगर आपको एक आईपैड चाहिए बहुत ज़्यादा पावरफुल जिसके अंदर आप बहुत सारे काम कर सकते हो और ज़्यादा उसको जो यूज़ कर सकते हो, कभी भी उसका जो है ढक्कन आपने खोला केस खोला और उसको यूज़ करना शुरू कर दिया तो आपको मैकबुक प्रो के लिए जाना चाहिए। आपका पर्पस क्या है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपका जब तक पर्पस आपको क्लियर नहीं होगा तो आप कभी भी आईपैड और मैकबुक के बीच में डिसाइड नहीं कर पाएंगे।
अगला क्वेश्चन है अबरा तानू का, ये बोलते हैं कि आईफोन 11 से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, मैकबुक प्रो लेना चाहते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो क्या उनको ईएमआई ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए परचेस करने के लिए, उनको डे टू डे यूज़ और कोडिंग पर्पज़ के लिए लेना चाहिए। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप उससे वो पूरा पैसा निकाल पाएंगे तब आप जो है इस टाइप के महंगे डिवाइसेस के लिए जा सकते हैं जैसे मैकबुक प्रो वगैरह। आप जैसे बता रहे हो कि आपको कोडिंग करना है, डे टू डे यूज़ करना है, मतलब आप शायद अपने वर्क पर्पज़ के लिए ले रहे हो, टाइम पास के लिए नहीं ले रहे हो, तो ऐसी महंगी चीज़ के लिए भी आप जा सकते हो क्योंकि आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है, जो पैसा आप दे रहे हो उसके सामने वो अच्छी खासी वैल्यू आपको प्रोवाइड करती है। रही बात ईएमआई की, तो अगर आपको इंटरेस्ट फ्री ईएमआई मिलता है, आप बिना इंटरेस्ट दिए किश्तों में पैसा दे सकते हो, तो ज़रूर उसके लिए जाइए। अगर आपको इंटरेस्ट बेस्ड ईएमआई मिलता है तो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा उसके लिए जाने के लिए, क्योंकि चीज़ जो है 1 रुपये की होती है, उसके लिए आप एंड में देते हो 10 रुपये। हमारे क्यू एन ए का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों साद अहमद का, बोलते हैं वो एक आईफोन एसी लेना चाहते हैं तो क्या उनको सेल बडी से लेना चाहिए या फिर ओवंतिका नाम का कोई वेबसाइट उन्होंने देखा है जिसको बोल रहे हैं वहाँ के लोग के फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन है, सील पैक फ़ोन है, तो क्या ये फ़ोन क्लोन हो सकता है या फिर उनको सेल बडी से लेना चाहिए। देखिए, ये जो ओवंतिका के बारे में आप बता रहे हो इसके बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है, और क्योंकि ये ऑनलाइन शॉप है तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। रही बात इनमें से कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए, आप सेल बडी से लो, आप अमेज़ॉन से लो, फ्लिपकार्ट से लो या किसी भी स्टोर से लो, इसमें कोई हर्ज नहीं है जब तक कि आपको पता है कि सामने वाला जो है एक ट्रस्टेड सेलर है। जैसे आप बता रहे हो ये वेबसाइट, अगर ये वेबसाइट का कोई ऑफिस है या कोई शॉप है तो आप विजिट कर लो, विजिट करने के बाद वहाँ पे फिजिकली चेक कर लो और चेक करने के बाद ले लो, क्योंकि ऐसे जैसे अभी बताया मैंने कि ओएलएक्स पे एक के साथ फ्रॉड हो गया 50,000 रुपये का, तो कहीं आपके साथ भी 10,000-15,000 रुपये का फ्रॉड ना हो जाए, इसके लिए मैं डरता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का Q&A का वीडियो पसंद आया होगा। आगे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं नीचे प्लीज़ #AskNabeel का इस्तेमाल करके कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख दीजिए, मैं अगले Q&A में उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।